लोग इस बार दो जिला आ गए हैं श्रीनगर के पास, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और ट्रक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ बर्फ़ के पहाड़। यहाँ बहुत ख़तरनाक बर्फ़ गिर रही है और हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बर्फ़ कहाँ से आ रही है। देखिए ट्रैफिक बराबर रोड चल रहा है और रोड भी छोटे छोटे से सिंगल, हालत खराब हो गई लोगों की। रोडों पे बर्फ पड़ी हुई है। फॉल हो रहा है और गाड़ी पे जो है ये बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है बहुत तेज, आगे ट्रैफिक हो रहा है। Thank you.
पहुंच गए हैं सोनमर्ग और ये गाड़ियाँ आगे खड़ी हो गई हमारी। बहुत ख़राब रास्ता था, दोनों तीनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, चढ़ाई बहुत ख़राब थी। और ये पूरा बाज़ार है सोनमर्ग का, यहाँ से वहाँ तक टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं। और ये देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारे, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है जहाँ से हम लोग आए थे। स्नोफॉल हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिर रही है जहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे थे, चक्कर हम लोग वहाँ रुक नहीं पाए, फोटोशूट नहीं हुआ क्योंकि बर्फ़ बहुत तेज़ थी वहाँ। ये देखिए पीछे, ये पूरा बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, ये बर्फ़ गिर रही पीछे, ये बर्फ़ भरी हुई है इस बादलों में। यहाँ से हम लोग आए, अब हम लोग आगे इस तरफ का रूट है श्रीनगर का। श्रीनगर 80 किलोमीटर है यहाँ से, तो अब अगला रूट हमारा श्रीनगर का है। हम लोग सब खाना खाने रुक गए हैं यहाँ पर, ये रेस्टोरेंट है, सनफ्लावर करके रेस्टोरेंट है, इसमें पूरी फैमिली वगैरह सब हम लोग चले गए। जी क्या करने रुके हैं आप लोग यहाँ पे? लंच करने रुके हम लोग क्योंकि कारगिल से मॉर्निंग में निकले थे, तब से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ऐसा कुछ था नहीं जो हम लोग खाने के लिए रुकते। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, सोनमार्ग में है हम लोग अभी। और यहाँ का ये स्टेट गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, यहीं पे हुआ तो आज हम लोग स्टे करेंगे और फिर श्रीनगर के लिए निकलेंगे आज। तो आपको जो रास्ते का सफ़र था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रास्ते में काफ़ी एंजॉय किया उसको भी हम लोग ने, एडवेंचर की तौर पे। और बर्फ भी मिली हमें जोनजिला में, स्नोफॉल भी हुआ, स्नोफॉल भी हुआ ऊपर जोजिला के अंदर स्नोफॉल हुआ था कल नाइट में, तो वहाँ पे हम लोग को काफी बर्फ मिला। बट अभी सोनमार्ग में बच्चे नहीं मिला, छोटे थे, चक्कर में रुक नहीं पाया वहाँ पर, इसकी वजह से थोड़े से मायूस है हम लोग के सोनमार्ग में अभी बर्फ नहीं है। बट उम्मीद है कि हो सकता है कल तक स्नोफॉल हो जाए। है रिज पे बर्फ है, ऐसा भी मत बोलो ना। क्या 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 है रिज पे बर्फ है, ऊपर है, कहाँ कहाँ मिलेगी बर्फ वहाँ पे? आप नजर मारो यहाँ, और कौन कौन सी जगह जाए जहाँ बर्फ मिलेगी अपन को? थाजवास ग्लेशियर जा सकते हो, वहाँ पे बर्फ है। हाँ, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकते, घोड़े से जा सकते हैं, गाड़ी से ग्लेशियर खत्म हो रहा है इसलिए वहाँ पे अलाउड नहीं है गाड़ी। बता रहा है ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पर बर्फ गिर रही है, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लिए टैक्सी गाड़ी करना पड़ेंगी जाने के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम लोग सोनमार्ग में हैं अभी, और अभी हम लोग को स्टे करना है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये यहाँ का यहाँ का कश्मीर टूरिज्म जो है, स्टेट गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। ये ऊपर जो है क्या बर्फ़ दिख रही है? यस, ये हिल पॉइंट के ऊपर कल नाइट स्नोफॉल हुआ था, उसकी वजह से हिल पॉइंट पे है, नीचे नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि रूम के लिए क्या करना है। ये होटल है सोनमार्ग, ठीक है। रूम देखने आ गए सोनमार्ग में, देखिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठंड बहुत पड़ रही है, -10 डिग्री में चल रहा है इस वक्त।
पूरे रूम बता रहे हैं कि फुल चल रहे हैं, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। हाँ ऊपर लेके चलते हैं। कहाँ कश्मीर आ गए क्या तुम? श्रीनगर। कितनी खूबसूरत जगह है देखो, होटल कितने प्यारे। क्या चार्जेस होंगे अर्षद भाई यहाँ के? यहाँ का चार्जेस है 4,000 रुपीज पर। ये हिल पॉइंट्स पे बर्फ दिख रही है आप लोगों को? ऊपर दिख रही है। यस, ये पेड़ भी कितने प्यारे लग रहे हैं, इसलिए इसके और ऊपर जाएंगे तो इसका व्यू और अच्छा आएगा। ऊपर साइड कॉटेज बने तो हम लोग का इरादा है कि कॉटेज में ही रुका जाए ऊपर, क्योंकि वो हाइट पे है। आइए, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे अब, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी होटल है तो हम लोग को यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। मज़ा आ रहा है नहीं यार आप लोगों को वीडियो देखने में? ज़रूर देखें, आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कराएँ याद से, नहीं तो